जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना तो खुद ही पड़ता है। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, आपने नारद मुनि का नाम तो सुना होगा कि वो इतने तपस्वी ब्रह्मचारी, यानी कि जिन्होंने ब्रह्मा जी के 60,000 पुत्रों को भी तप करने के लिए भेज दिया था कि तुमने गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना है, उनके खुद के मन में विवाह करने की इच्छा क्यों जागृत हुई, इसकी कहानी आज मैं आपको सुना रही। तो एक बार नारद जी हिमालय पर्वत पर एक उनको गुफा दिखाई दी, तो वो गुफा बड़ी सुंदर थी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बैठकर तपस्या करता हूँ, और वो भगवान की लीला के कारण जो है तपस्या में इतने विलीन हो गए कि उनको कुछ पता ही नहीं रहा। अब इंद्र तो है ही ऐसा, उसका स्वभाव है जो भी कोई तपस्या करता है उसके मन में ये इच्छा जाग जाती है कि कहीं ये मेरा सिंहासन तो नहीं ले लेगा, क्योंकि वो लालची है, उसको अपने सिंहासन खोने का हमेशा डर लगा रहता है। उसने कामदेव को बुलाया और कहा कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव ने लाख कोशिश की लेकिन वो असफल रहा और अंत में नारद जी के चरणों में गिर गया, क्योंकि भगवान के भक्त को कौन डावाडोल कर सकता है। जब वो चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा तो नारद जी को भी कोई क्रोध नहीं आया, क्योंकि उनके मन में अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। इस अहंकार के बीज ने जैसे ही नारद मुनि के हृदय में जन्म लिया, वैसे ही भगवान व्याकुल हो गए कि नारद जी के मन के अहंकार को कैसे दूर किया जाए। अब नारद जी पहुंच गए पहले शिव जी के पास और कहने लगे, मैंने कामदेव को जीत लिया, आपने तो कामदेव को भस्म किया था, देखो मैं तो आपसे महान हूँ, ये अहम बोल रहा था उनका। भगवान शंकर ने समझाया कि हे नारद जी, ठीक है तुमने कामदेव को जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो तुमने बता दिया, लेकिन विष्णु भगवान को मत बताना, वरना देख लो फिर क्या होने वाला है। लेकिन नारद जी कहाँ समझने वाले थे, उन्होंने सोचा कि ये देखो शंकर वैसे तो वैराग्य माने जाते हैं, लेकिन देखो जलन हो रही है कि मैंने क्यों जीत लिया कामदेव को। तुरंत पहुंच गए बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास और जाकर कहने लगे कि हे प्रभु नारायण नारायण, आज तो मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान विष्णु ने कहा कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि मन ही मन तो वो जान रहे हैं ना कि ये मेरा भक्त जो है इसने कामदेव को जीत तो लिया, लेकिन इसमें अहंकार आ गया है, और जब तक मैं इस अहंकार के वृक्ष को काट नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी मेरा प्रिय भक्त है। उन्होंने सुन लिया, जैसे ही नारद वापस गए, अब भगवान की लीला देखो, उन्होंने एक माया नगरी बना दी जहाँ पहले जंगल था, और नारद जी को ध्यान ही नहीं रहा कि मैं किस रास्ते से आया था। वो बहुत सुंदर नगर है, वहाँ का शील निधि नाम का राजा है, बिल्कुल वो माया नगरी जो थी बैकुंठ लोक जैसी थी, उसकी एक कन्या थी विश्व मोहिनी। नारद जी ने देखा कि ये नगर बड़ा सुंदर है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि राजकुमारी का स्वयंवर रचाया जा रहा था और दूर दूर से राजा जो है उस स्वयंवर में आए हुए थे। लोगों से पूछने पर नारद जी को जब ये बात पता चली तब वो सीधे राजा के पास पहुंच गए। राजा ने नारद जी को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, उनका सम्मान किया, अपनी बेटी को बुलाया। जैसे ही बेटी उनके चरण स्पर्श करने के लिए आई, वैसे ही नारद जी तो उस विश्व मोहिनी राजकुमारी पर मोहित हो गए। अब वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मेरा विवाह जो है इस राजकुमारी से होना चाहिए। देखो एक त्यागी ब्रह्मचारी तपस्वी कैसे विवाह के लिए व्याकुल हो जाता है, ये सब भगवान की माया थी। राजा शीलनिधि पूछ रहे हैं कि हे नारद मुनि, बताओ मेरी लड़की के अंदर क्या क्या गुण है,
कैसा इसको राजकुमार मिलेगा, इसका भविष्य कैसा रहेगा। बस वो इतना ही कहते हैं कि तुम्हारी राजकुमारी जो है बहुत गुणवती है और इसको चार भुजाओं वाला पति मिलेगा, ये तो बहुत राज करेगी। क्योंकि मन ही मन तो उनका खुद का मन चल रहा है कि मैं विवाह कर लूं। अब नारद जी जो है चले जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। फिर सोचते हैं कि भगवान ही मेरा तो रखवाला है, क्योंकि मेरे तो प्रभु ही है और दुनिया में तो मेरा कोई है नहीं, लेकिन मैं उन्हें ढूंढूं कहां, क्योंकि अभी अभी तो वहां से आया हूं। जैसे उन्होंने याद किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और थोड़ी देर के लिए मुझे आप अपना हरि रूप दे दो, क्योंकि हरि रूप में वो चतुर्भुज वाले हैं, चतुर्भुजाएं हैं उनकी। कहते जो मेरा कल्याण कर सके। अब भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, मैं भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही उनको वही रूप प्रदान करता हूँ। तुमने हरि रूप मांगा है, हरि रूप ही मिलेगा। नारद मुनि की बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी, उन्हें कुछ पता नहीं चला भगवान क्या कह गए, क्योंकि हरि को संस्कृत में बंदर भी कहते हैं। अब उन्हें वो रूप मिल गया, वो वहां स्वयंवर में नारद जी पहुंच गए। अब वहां शिव जी के दो गण थे जो ब्राह्मण का रूप बनाकर घूम रहे थे। अब नारद जी को देख रहे हैं, वो हंस रहे हैं, उनके पास आकर बैठ गए। बाकी सब राजाओं ने तो उन्हें नारद जी समझा, क्योंकि वो रूप केवल उन दो शिवगणों ने देखा या राजकुमारी ने। अब वो शिवगण नारद जी से कह रहे हैं कि आपका रूप तो बड़ा सुंदर है, राजकुमारी जैसे ही आएगी आपके गले में माला पहनाएगी। थोड़ी देर तो नारद जी सुनते रहते हैं, वो कहते हैं कैसी अटपटी बातें कर रहे हैं। इतने में राजकुमारी आ जाती है, अब तो नारद मुनि जी है आगे आगे कि मेरे गले में माला डालेंगे, लेकिन राजकुमारी तो उस तरफ देखती भी नहीं, क्योंकि वानर का रूप, इतना भयंकर उनका शरीर, राजकुमारी को क्रोध आ जाता है, वो उधर नहीं देखना चाहती। नारद जी फिर जब आगे चली जाती है राजकुमारी, फिर नारद जी आगे, लेकिन वो देखती भी नहीं। इतने में भगवान विष्णु राजा का रूप धारण करके वहां आते हैं और वो विष्णु मोहिनी जो राजकुमारी थी उनके गले में माला डाल देती है और वो चले जाते हैं। अब तो नारद जी इतने व्याकुल हो जाते हैं, पूछो ही नहीं, जैसे सांप से कोई मनी छीन कर ले गया, ऐसी दशा नारद जी की हो जाती है। अब रास्ते के अंदर जो है, अब उन्हें वही भगवान मिल जाते हैं, फिर वही राजकुमारी है। अब उनका गुस्सा और तेज हो जाता है, वो कहते हैं कि हे विष्णु, तुम तो बड़े छलिया हो, हर किसी से छल करते हो, समुद्र मंथन के समय भी तुम लक्ष्मी को लेकर चले गए थे और भगवान शंकर को तुमने विष पिला दिया था, लेकिन इस बार तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त श्राप देता हूँ कि जिस राजा का रूप धारण करके तुम इस राजकुमारी को लेकर गए हो, उसी रूप में तुम्हें भी पृथ्वी लोक पे जन्म लेना पड़ेगा। तुमने मुझे वानर का रूप दिया है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे, और जिस राजकुमारी के लिए आज मैं इतना व्याकुल हो रहा हूँ, उसके विरह में तड़प रहा हूँ, तुम्हें भी दर दर इसी प्रकार तड़पना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। भगवान ने जो है सिर झुकाकर उसका श्राप अपने मस्तक पर स्वीकार कर लिया और उसी समय अपनी माया भी खींच ली। जैसे ही माया हड्डी, अब नारद मुनि पछता रहे हैं, रो रहे हैं, भगवान विष्णु के चरणों में गिर रहे हैं। हे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मेरा श्राप निष्फल होना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, मेरे कहे हुए वचन असत्य हो सकते हैं, लेकिन मेरे भक्तों के नहीं। तो बेटा ये भगवान की लीला थी, उन्होंने अपने भक्त के मन में जो ये विवाह की इच्छा जागृत की थी, ये उसका अहंकार तोड़ने के लिए की थी। इसलिए कभी भी अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।